बिलासपुर के हाई प्रोफाइल विराट अपहरण कांड का शुक्रवार को कलेक्ट्रेट मंथन कक्ष में बिलासपुर रेंज के आईजी प्रदीप गुप्ता ने खुलासा किया है। आईजी ने बताया कि आरोपियों ने एक अन्य सरापा व्यवसायी के बेटे को अपहरण करने का प्लानिंग किया हुआ था, लेकिन वे परिवार के साथ घूमने चले जाने की वजह से विराट का अपहरण किए थे। फिलहाल इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्य सरगना बिहार का रहने वाला है। बिलासपुर के हाई प्रोफाइल विराट अपहरण कांड का शुक्रवार को कलेक्ट्रेट मंथन कक्ष में बिलासपुर रेंज के आईजी प्रदीप गुप्ता ने खुलासा किया। आईजी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग एक माह पूर्व प्लानिंग कर लिए थे। ये लोग पहले गोंडपारा में रहने वाले सत्यनारायण सराफ के बच्चे को टारगेट किए थे, लेकिन वे घूमने बाहर चले गए, इसलिए वो प्लानिंग फेल हो गया और उसके बाद घटना को अंजाम तो देना था, इसलिए इन लोग मासूम विराट को टारगेट किए और अपहरण की घटना को अंजाम दिए। इस घटना के तार बिहार से जुड़ा हुआ है। मुख्य सरगना बिहार का रहने वाला है, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस मामले में मोबाइल के लोकेशन से और मोबाइल में संपर्क किए जाने के कारण पुलिस इन आरोपियों तक पहुँच पाई है। वहीं आईजी ने बताया कि अपहरण करने वाले 6 करोड़ रुपए की डिमांड दूसरे ही दिन कर दी थी। इस काल के बाद से मोबाइल लोकेशन सर्च होने के बाद देर रात रिंग रोड के एरिया में अपनी टीम को लगाकर घेराबंदी कर सर्च करने का काम शुरू किया गया और सुबह तड़के 5 बजे पन्ना नगर जो रिंग रोड में स्थित है वहीं एक घर में दबिश दी गई, जहां ऊपर के एक ब्लॉक में बच्चे को एक लड़का रखा हुआ था। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो अंदर जो आरोपी था वह छत के रास्ते से भाग गया, लेकिन पूरे एरिया में पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी, वह भाग नहीं पाया और उसे भी धर दबोचा गया। इस मामले में पुलिस 3 लोगों को सामने लाई है जो इस घटना में शामिल हैं। वहीं सराफ परिवार के किसी एक का घटना में शामिल होना बताया जा रहा है, लेकिन उस बात का खुलासा नहीं किया गया है। वहीं गोंडपारा स्थित सराफ परिवार का पैतृक घर से एक महिला को हिरासत में लिया गया है और वहां के लोगों का कहना है कि आरोपी अनिल सिंह का उक्त महिला के घर में विगत 2 वर्षों से आना जाना है। पहले उसी वेगन आर से आया जाया करता था जिसमें मासूम विराट का अपहरण हुआ है। उक्त घटना में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं अभी भी कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी होने की बात पुलिस कह रही है। पुलिस के द्वारा अभी विगत 20 तारीख को हुए विराट सराफ के अपहरण की घटना में प्राप्त के पास वहां पर और एक व्यक्ति उसका नाम से पूछा, वेरीफाई किया, उसके बाद कार में लगाएगा तमाम अन्य लोगों को भी सूचनाएं दी गई। बिलासपुर से अजीत मिश्रा की रिपोर्ट, ACN 24।